एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज मैं अपने घर का, जो मुंबई में मेरा घर है, उसका एक टीनी टाइनी लोन का पार्ट जाके बैंक को देके आऊँगा। एंड मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट लाइफ ऑफ एन एक्टर के ऑडिशन देना, जिम मैम ABCD, जो एक मेरी एज एन एक्टर इन मुंबई की लाइफ में होती है, वो सब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो स्टे ट्यून। पहले मैं पीता हूँ 1 लीटर पानी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिफोर स्टार्टिंग माई डे। पता नहीं आज तो गला ख़राब हो गया फॉर सम रीज़न। कल शायद दही खाई, उसकी वजह से गला ख़राब हुआ है कि बहुत दर्द कर रहा है, और अकेले मुंबई में बीमार होना इज़ वर्स। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा डेस्क सेटअप कंप्लीट हो गया। आई गॉट माइसेल्फ 32 इंचेस कर्व स्क्रीन। मैंने डेस्क शेल्फ भी बनवा लिया है, मतलब मंगवाना 7-8 हज़ार का था ऑनलाइन, बट मैंने कारपेंटर को दे के 1000 रुपये में काम कर लिया। आई गॉट माई PS4 ओवर देयर, कंट्रोलर ओवर देयर, तो मतलब अब बहुत अच्छा लग रहा है ये। और सेकेंड थिंग, फाइनली मेरा बेड भी आ चुका है। जैसे मैंने अपने पुराने होम टूर वाले व्लॉग में बताया था कि बेड IKEA से आने वाला है। इट्स हेयर एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटिफुल। मैंने ऊपर प्रोजेक्टर भी लगवा लिया है, जिसकी मैं आपको रात को दिखाऊंगा कि हाउ गुड इट लुक्स ऑन दिस वॉल। बस हो गया है, एंड मेरे मैनेजर ने मुझे जस्ट अभी एक ऑडिशन भेजा है इस फॉर होंडा बाइक। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ऑडिशन बना लूँ, उसके बाद मैं बैंक के लिए निकलूँ। लाइक वहाँ जाने में 1 घंटा लगेगा, तो अभी 12:30 हुए हैं, तो आई गेस 1.5 घंटे बना लेता हूँ एंड देन आई विल हेड आउट। जब भी मेरे को बैठ के ऑडिशन बनाना पड़ता है ना, तो मुझे पूरा काउच यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा। मैंने ये करा, एवरीथिंग वॉज गुड, बट हेयर वॉज नॉट लुकिंग गुड, सो आई वाज गोना मेक इट अगेन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ऑडिशन है DSLR से बना के भेजूँ, ताकि एक अच्छी क्वालिटी में मेरा ऑडिशन क्लाइंट के पास जाए। ऐसा मेरे मैनेजर ने बोला कि आप ऐसे करके भेजो, दैट्स आई एम डूइंग इट, बट आप फोन से ही बना दो। और आजकल तो iPhone में सिनेमैटिक मोड आ गया है, उतना ही लाइक पड़ जाता है। उससे बड़ा टास्क क्या लगता है मेरे को, ये सब वापस अरेंज करना। वैसे मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि 2:10 है। एंड आप में से काफी लोग सोच रहे हो गए, अरे इसके बाद तो घर, गाड़ी, ऑडी वगैरह सब है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मुझे मुंबई में 5 साल हो गए, और जिसमें पहले क्या कहते हैं 3 साल तो मैं थाने रहता था, जहाँ से रोज लोकल पकड़ के फिर घाटकोपर से मेट्रो पकड़ के मैं आराम नगर वगैरह आता था। फिर उसके बाद मैंने चलाई पापा की पुरानी i10 CNG, और फिर अभी ये सीरियल करने के बाद मैंने गाड़ी खरीदी है। और पापा भी रिटायर हो गए हैं, लाइक ही यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर। तो भाई जो है, खुद ही थोड़ी बहुत मेहनत करके, थोड़े बहुत पैसे जोड़ के, और धीरे धीरे एक घर का सपना पूरा करा मुंबई में। तो ये है भाई, कोई खानदानी रहस्य नहीं है। काश होते बहुत चीज़ें ईजी हो जाती, पर ठीक है, मैं ऐसे भी बहुत खुश हूँ। पता है यहाँ की ना रोड की हालत देख के मतलब पसीना आ जाता है। एक बार हालत देखो, मैं तो उल्टी साइड चल रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड पे ये सारा इन्होंने मतलब आधा बना दिया, और आधा अब ये बारिश के चक्कर में नेक्स्ट ईयर बनाएंगे। तब तक आप दुखी होते रहो। बड़ी मेहनत है यार मलाड में इस चीज़ के लिए, तो मतलब आंसू निकल जाते हैं भाई गाड़ी निकालना ना। इतने गड्ढे हैं, पूछो मत। और भाई ये रेड लाइट, लिटरली 10 मिनट की रेड लाइट है। आप मौसम तो मुंबई का वैसे अच्छा हो रहा है, अगस्त वगैरह में ही, मतलब अगस्त ही चल रहा है फिलहाल तो। जुलाई में तो बहुत बारिश आई थी, बट अगस्त मुंबई में अच्छा गया है। लाइक इतनी बारिश नहीं हुई, प्लेजेंट वेदर रहता है, क्लाउडी रहता है। जिस हिसाब से यहाँ हालत लग रही है ना शाम की, मुझे लगता तो नहीं मैं टाइमली बैंक पहुँच पाऊँगा। आज ना मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट करा यार, मुझे लगा मैं बैंक से आ जाऊँगा 3:30 बजे तक, तब खा लूँगा, बट 3-4 पे तो पहुँच रहा हूँ। वहाँ से फ्री कब होऊंगा, 4 बजे से पहले लग नहीं था मैं पहुँच पाऊँगा। 4 भी क्यों, उससे भी ज़्यादा 4:30।
चलो फाइनली मैं पहुंच तो गया एंड होपफुली अब जल्दी से काम निपटा के आ जाऊं, क्योंकि गाड़ी मैंने ऐसे ही रैंडमली कहीं भी पार्क करी है। सो लकीली अब बहुत फटाक से काम हो गया है एंड अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 3:15 हो गया, अभी मैं सोच रहा हूँ यहीं पर ना एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ कुछ खा लेता हूँ। चलो भाई बढ़िया सा खाना हो गया, अब ऐसा भूख नहीं लगेगी, आराम से 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। आज वैसे बहुत पैसे कट जाएंगे अकाउंट से, बट इट वॉज नेसेसरी क्योंकि मैंने 70% होम लोन दे दिया है और 30% रह रहा है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा 15% में लाइक 2 साल के अंदर और दे दूँ। बाकी जो 15% है वो चलते रहने दूंगा, क्योंकि उससे टैक्स बेनिफिट बहुत होता है रियल एस्टेट की जो भी प्रॉपर्टी होती है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज वन थिंग दैट आई वुड टू टेल यू गाइस, कि अगर आप मुंबई आ रहे हो और यू आर प्लानिंग टू परस्यू एक्टिंग और मॉडलिंग एज अ करियर, तो हमेशा अपने पास कुछ ऐसी स्किल रखना जो आपका ब्रेड एंड बटर चला सके। सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड होके मत आना। मैं जब आया था इनिशियली, मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ, 3 साल तक आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन लाइक एक्टिंग मॉडलिंग काम, बट आई रियलाइज दैट कि अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो नीड टू डेवलप सम स्किल, चाहे वो ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो सकता है जो आप घर पे बैठ के आराम से कन्वीनियंटली कर सकते हैं। 9 to 5 नहीं कह रहा हूँ, जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी एक ऐसी स्किल डेवलप करी, तो जिसकी वजह से मैं अभी अपने आप को खुद सपोर्ट कर पा रहा हूँ, कि मतलब मेरे घर का EMI, खाना पीना, लाइक सेविंग नहीं कर पाता ज़्यादा, बट इतना मेरा हो जाता है कि मेरे को सिर्फ शूट पे डिपेंड या किसी मॉडलिंग काम पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो एक ये बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है एज एन एक्टर, एज अ मॉडल भी आप काम चूज़ कर सकते हो, आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। एंड कि अगर लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, कि आपकी फैमिली हर महीने आपको पैसे भेज देती है, तो फिर वो अलग चीज़ है। बट मेरे जैसे लोग हैं और मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग आते हैं मुंबई में, उनके साथ सीन डिफरेंट होता है, घर से ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता। तो बट आप हमेशा एक अपनी ऐसी स्किल रखिए जिसकी वजह से आप के पास हर महीने के एंड में कोई सैलरी या कुछ पैसे आ जाए जो आपके खर्चे चला सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे कहनी थी। बाकी अभी घर निकलते हैं, वहाँ पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा। तो एक चीज़ है गाड़ी में ना, एक ब्लॉक करने का डिसएडवांटेज भी है, कभी कभार आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मेरे को अभी परसों तरसों पकड़ा, 1500 रुपये ले लिए सिर्फ इस चीज़ के। तो मैं बड़ा ध्यान से सोच समझ के देख के ही ब्लॉक करता हूँ। तो यार कल पता नहीं क्या खा लिया पी लिया, गरा खराब और जुकाम हो चुका है। बहुत ज़्यादा मुंबई में, फाइनली घर आ गया हूँ और अब बैठ के थोड़ा काम करूँगा, उसके बाद जिम जाना है, बहुत जवारी है, तो उसके बाद जिम जाना है एंड फिर हो सके शाम को मेरे दोस्तों के घर पे कोई पार्टी वार्टी भी है, तो देखता हूँ मैं, लेट्स सी अगर मन करा हो जाऊँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी हालत ख़राब हुई हुई है ना, लाइक मन ही नहीं कर रहा जिम जाऊँ या, क्योंकि तब गाड़ी चला के आया, फिर तब से बैठा ही हूँ मैं, तो काम वाम निपटाया, अभी जिम जाना है और मुझे कल रात से जुकाम बुखार सब चीज़ें एक साथ हो रखी है। तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, अब पीता हूँ और देखता हूँ कि जिम जाने की हालत है या नहीं, बट जहाँ तक मुझे अपना पता है मैं जाऊँगा ही, क्योंकि मेरा पीछे बहुत स्किप हो गया है जिम, तो या जिम के लिए निकल लिया हूँ। फाइनली मेड इट टू जिम, फिलहाल जिम से आ गया हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट तभी ठीक नहीं है, और मैं दिल्ली की टिकट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कल चला जाऊँ या मोस्टली परसों चला जाऊँ, बट इवेंचुअली मेरे को एक ऐसा कॉल आया अभी लाइक फ्रॉम माई मैनेजर ओनली, वो कह रहा है कि एक सीरियल है एंड दे नीड यू, सो राइट नाउ दे आर डिस्कसिंग ऑन द बजट कि क्या है क्या नहीं है, शुड आई गो शुड आई वेट। तो जैसा होगा अगर इफ थिंग्स हैपन तो ऑफ कोर्स मुझे मुंबई में वेट करना पड़ेगा, मतलब तो फिर शूट शुरू ही हो जाएगा, और अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं कल या परसों की फ्लाइट बुक करके आई विल बी टू दिल्ली और फिर वहाँ से सेप्टेम्बर में आऊँगा एंड देन आई विल डू सम अदर प्रोजेक्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
तो ये बेसिकली स्वीट पोटैटो है और थोड़ी नमकीन डाल दी टेस्ट के लिए। तो ये यूजुअली मैं आफ्टर वर्कआउट ले रहा हूँ, लाइक प्रोटीन शेक एंड ये, ताकि गुड कार्ब्स शरीर के अंदर लोड हो जाए। और अभी समय है उस बेस्ट चीज़ का जिसके लिए मैं पूरा दिन वेट करता हूँ। और ये है हमारा PS4। अब सोच रहा हूँ गेम ना ही खेलता तो अच्छा था। सिर दर्द हो गया और अभी काम भी करना है तो अब बाहर नहीं चाहूँगा। आप लोग सोच रहे हैं खाना मैंने खुद बनाया, ऐसा नहीं है। मेरी दीदी आती है, लाइक शी कुक्स एंड क्लीन, तो उन्होंने सारा मतलब ब्रेक लंच और डिनर बना के जाती है, ब्रेकफास्ट में खुद बना लेता हूँ। तो भाई खाना खा लिया बट मेरे को फीवर आ चुका है, मैंने जस्ट चेक करा, मैं 100 से थोड़ा सा ऊपर ही हूँ। एंड फाइनली मैंने क्रूसन भी ले लिया है एंड आई एम जस्ट गोना रेस्ट नाउ। तो ये ब्लॉग मैं सोच रहा था आपको नीचे लेके जाऊँ, थोड़ा आस पास दिखाऊँ, बट इवेंचुअली अभी उतनी हालत नहीं है। I'm just gonna end this vlog right now. So thanks for watching this video. अगर आपको पसंद आई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि आप किस टाइप की इन फ्यूचर वीडियो देखना चाहते हैं। माइट बी ट्रैवल रिलेटेड, शूट कैसे होता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग आपको मेरे से पूछनी हो, तो जिस टाइप का वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो मेरे को जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सॉरी ये मैं दिखाना भूल गया, ये मेरा प्रोजेक्टर है जो मैंने लिया है अपने बेडरूम में। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, अच्छा मज़ा आता है लाइक देखने में। लाइक यूजुअली सोने से पहले मैं कुछ अराउंड 15-20 मिनट यूट्यूब वगैरह पे सर्फिंग कर लेता हूँ। एंड आई रिकमेंड कि अगर आपको रूम के लिए चाहिए टीवी से अच्छा ये लो। तो गुड नाइट।